हेलो दोस्तों दोस्तों आजकल इंटरनेट पे ना एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की को जिसने अपने गाल के ऊपर तिरंगा बनाया हुआ था उसको गोल्डन टेंपल के अंदर एंट्री देने से मना कर दिया जाता है। अब भाई सबसे पहला तो ये है कि आप एक बार वीडियो देखो, वीडियो के बाद बात करेंगे कि उस वीडियो में एक्चुअली है क्या। हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने दे रोकिया, क्या कारण है जी? फ्लैश ऑफ नहीं, क्यों नहीं? इंडिया नहीं आए ये पंजाब? भाई साहब इंडिया नहीं आए? हाँ नहीं, इंडिया नहीं आए ये पंजाब? भाई साहब इंडिया नहीं आए? हाँ करियर रिकॉर्डिंग, करियर रिकॉर्डिंग से क्या था? नहीं मैं पूछो, इंडिया नहीं आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए? इंडिया। बकवास बात बोल रहे हो आप तो, बहुत की बात कौन सी थी और क्या? इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है। बकवास की बात कौन सी है आपकी? आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं बताओ भाई साहब? ये तरीके से बात करो, बकवास की बात कौन सी है? बकवास क्यों बोले आप? इंडिया में कल क्यों करे बकवास क्यों बोले? अब भाई देखो, इस वीडियो में लड़की है जो कि गोल्डन टेंपल के अंदर जाना चाहती है और उसको वहाँ का जो सेवादार होता है उस वो रोक देता है और उसकी एंट्री को मना कर देता है गोल्डन टेंपल के अंदर। अब होता क्या है, रीज़न जो दिया जाता है वो रीज़न ये दिया जाता है कि उसने लड़की ने अपनी गाल के ऊपर तिरंगा बनाया हुआ था। एंड सेकेंड जो शॉकिंग जो बात लगी वो ये लगी कि वहाँ पर बोला गया कि ये इंडिया नहीं है, पंजाब है। आप वीडियो में साफ साफ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे शॉकिंग ये लगी वो ये है कि एक गोल्डन टेंपल जिसके चार द्वार हैं और सभी धर्मों के लिए वो द्वार हमेशा खुले हैं, वहाँ पे कोई इस तरह से रोकता है। और जो सेवादार का बर्ताव था, ऐसा बर्ताव बहुत कम देखने को मिलता है एक गुरुद्वारे के अंदर, जो कि इतना नामचीन गुरुद्वारा है, प्राचीन गुरुद्वारा है, गुरु रामदास जी का वो स्थान है। वहाँ पे अगर आप इस तरह का बर्ताव अगर कोई करे तो ये अपने आप में ही एक शॉकिंग खबर है। अब भाई ये तो हो गया कि इंसिडेंट जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। अब इसके बाद एक और वीडियो निकल के सामने आई, एसजीपीसी ने क्लैरिफाई किया इस चीज़ को, एक गुरुचरण सिंह जी उनके मतलब एसजीपीसी की तरफ से उन्होंने बताया कि भाई जो लड़की है, लड़की को सिर्फ इस वजह से रोका गया क्योंकि उसके गाल पे जो तिरंगा बना हुआ था उसके अंदर अशोक चक्र नहीं था। तो पहली तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग जो हैं अटारी बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों के गाल पे तिरंगा बनाया जाता है उसके अंदर, क्योंकि वो उस टाइम गीला होता है और वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसके अंदर अशोक चक्कर नहीं बनाया जाता। अब अशोक चक्कर आप बनाओ भी गए तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, वो एक तरह से डॉट लगेगा तिरंगे के बीच में। तो वहाँ पे 80% मैंने देखा है, मैं भी वहाँ गया हूँ, मैं हर साल गोल्डन टेंपल जाता हूँ, तो ये चीज़ है एक कि वहाँ पे अशोक चक्कर नहीं बनाते। सेकंड थिंग, ये पहला केस है, इससे पहले भी मैं खुद गोल्डन टेंपल के अंदर ट्राई कलर अपने चेहरे पे बनवा के गया हूँ, आज से पहले कभी नहीं रोका गया, लेकिन इस बार रोका गया एक लड़की को। जो स्टेटमेंट दी गई वो स्टेटमेंट ये दी गई कि ये इंडिया नहीं है, ये पंजाब है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी बार नोट किया है, इस चीज़ के ऊपर कभी मुद्दा नहीं उठा है। आप कभी भी देख लेना, कभी कोई फॉरनर होगा ना जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं गया होगा, वहाँ पे उससे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हो, तो वो ये नहीं बोलेगा आई एम फ्रॉम इंडिया, वो बोलेगा आई एम फ्रॉम पंजाब। ये भी अपने आप में ही एक तरह से ये लगा लिए शेमफुल थिंग है इंडिया के लिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। अब जो है गुरुचरण सिंह जी ने जो बताया कि भाई उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस इंसिडेंट के ऊपर कि इंटेंशन गलत नहीं थी, उसको उनको जो रोका गया, लड़की को रोका गया। लेकिन भाई मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, गुरुचरण सिंह जी ने जो बोला वो पता नहीं उन्होंने क्या सोच समझ के बोला, लेकिन एज्ड पर्सन होने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल भी एक मानने वाली बात नहीं की। चलो हम मान लेते हैं लड़की ने ट्राई कलर बनवाया था, तिरंगा बनवाया था, उसके अंदर अशोक चक्कर नहीं था, मान ली मैंने आपकी बात, हम सभी इस बात को एग्री कर लेते हैं, ठीक है भाई अशोक चक्कर नहीं था, इस वजह से आपने एंट्री नहीं दी क्योंकि वो एक इंसल्ट थी अपने इंडियन फ्लैग की। लेकिन इस बात के ऊपर उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया कि जब ये वर्डिंग यूज़ की गई कि ये इंडिया नहीं पंजाब है, इस बात के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई। तो इस बारे में आप क्या कहोगे?
इस तरह का बिहेवियर एक नामचीन गुरुद्वारे के अंदर होना और इस तरह की स्टेटमेंट्स को यूज करना सिख धर्म के ऊपर अपने आप में एक चोट है। मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, कोई भी सिख भाई मेरा जो वीडियो देख रहा है वो दिल पे मत लेना, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं खुद गोल्डन टेंपल में मैं जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, मैं हर साल एक ट्रिप मेरी वहाँ की बनती है, ठीक है। लेकिन कभी भी आज से पहले ऐसा नहीं हुआ और इस तरह के जो इंसिडेंट लगातार हो रहे हैं ये सिख धर्म के ऊपर भी सवाल उठा देंगे। मेरे हिसाब से ये सवाल उठाने लायक चीज़ें हो रही हैं। अगर इनको रोकना है तो सभी सिखों को एक होना पड़ेगा और इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। खालिस्तान सपोर्टर और पता है मतलब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना तो काफ़ी सारे एलिगेशन भी आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये होता है वो होता है, इंडिया को मतलब इंडिया को नहीं मानते, अपने पंजाब को मानते हैं। देखो इस तरह के इंसिडेंट होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आएगी, समझ रहे हो ना। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है और ये जो क्लेरिफिकेशन दी गई SGPC की तरफ से उसके बारे में आपका क्या कहना है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत थी, स्टेटमेंट जो यूज़ की गई वो बहुत गलत स्टेटमेंट यूज़ की गई थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।